Today we are going to continue exercise 1.2. Today is the topic De Morgan's law. De Morgan's law क्या कहता है? एक law है जिसको proof करने को आता है. दो तरह के laws हैं ये. Number one, A union B का whole complement बराबर है. A complement, intersection B complement. और दूसरा लॉ आपको कहता है कि A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. तो ये दो लॉज हैं. इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था. इसी तरह से डी मॉर्गन्स लॉ है, इसके दो पार्ट हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा रह गया था एक्सरसाइज 1.2 का. दोनों तरीके से इसको सॉल्व करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम. इसमें कह रहा है If u is equal to 1 to 3 slash 10 तक जाइएगा. a is equal to 1 to 3 4 5 and b is equal to 2 4 6 8 10. Verify that A union B whole complement बराबर है A complement intersection. कौन सा वाला लॉ है दोनों में से? फर्स्ट वाला लॉ में क्या करना है, प्रूव करना है. और दूसरा पार्ट इसका आप लोगों ने होम असाइनमेंट में करना है, क्योंकि फेयर काम ही होगा होमवर्क के लिए डाल के. ठीक है, नंबर वन, U की वैल्यू है 1 से लेके 10 तक, A की वैल्यू 1 2 3 4 5 और B की वैल्यू 2 4 6 8 10. A यूनियन B, पहले सबसे पहले हम बताते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड. तो सपोज करते हैं सवाल मेरे पास सिर्फ इतना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे. A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है. ब्रैकेट में क्या है आपके पास, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 यूनियन बी क्या है मेरे पास 2 4 6 8 10. यूनियन आ गया और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है आपके पास, कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो भी आंसर आए उसको यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो क्या हो गया ये मेरे पास, वन से लेके टेन तक है माइनस 1 2 3 4 5 6 8 10. बताइए क्या आंसर आएगा, माइनस हो जाएंगे सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 8 10 7 और 9 बचेगा बस. तो 7 एंड 9 इज योर आंसर. ये हमारी राइट हैंड साइड क्या हो गई, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, सॉल्व हो गई. ये हो गया नंबर 1, एक साइड का आंसर हमने क्या कर लिया, निकाल लिया. अब कौन सा साइड आएंगे, राइट हैंड साइड से आपको बोला गया है कि पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसके बाद बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है और दोनों साइड से क्या ले लेना है फिर इंटरसेक्शन. तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए. यू में से ए को निकालिए, यू से यू है आपके पास 1 से लेकर 10 तक, इसमें से 1 2 3 4 5 निकाल देंगे, क्या बचेगा 6 7 8 9 10. अब निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट. अब जरा यू में से बी को माइनस कर दीजिए, 2 4 6 8 10 निकल जाएगा 1 3 5 7 9. दोनों के आंसर का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 6 7 8 9 10 इंटरसेक्शन 1 3 5 7 9. क्या कॉमन है दोनों में, 7 एंड ये
ये हो गया नंबर LHS is equal to RHS, ये देखिए इसका भी आंसर 79 और ये वाले का आंसर भी क्या आया हमारे पास 79, दोनों साइड क्या हो गई प्रूव हो गई, इसका मतलब है कि जी वर्ड जो क्या हो गया आपका वेरीफाइड। सेकंड पार्ट में जो है पहले इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन लेने के बाद यू में उसके आंसर को क्या कर दिया माइनस, एक साइड प्रूव हो गई, एक कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट वैसे ही लेने हैं, क्या लेने हैं आप इनमें यूनियन, सेकंड पार्ट के ऊपर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं विद इन अ मिनट। स्टार्टिंग
कहाँ बच जा रहे हैं? 11, कौन कौन से आएंगे? 5, 7, 5, 7, 11. ओके, एक बात बताइए, यहाँ मैंने 10 से छोटे लिखे हैं, यहाँ पे मैंने 11 को भी शामिल किया हुआ है, 11 से छोटे लिखे, क्या वजह है? ये जो थर्टी लगी हुई लाइन से इधर नहीं है तो इसका मतलब है 10 शामिल नहीं होगा, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। अब सेट बोलिए, कोई मुश्किल है डिमोनिंग सॉल्व करना, कोई भी एक साइड उठा लेते हैं, चले मैं ये वाला कर रहा हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा? ओके, ये वाला स्टार्ट कर रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, पहले निकालेंगे ए और बी का क्या दे देंगे, इंटरसेक्शन, ये सेट क्या है मेरे पास? 4, 6, 8 इंटरसेक्शन 3, 5, 7, 11 कुछ है इंटरसेक्शन? देखिए है कुछ कॉमन नहीं है तो इसका मतलब है एफटी सेट आएगा, कुछ कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एमटी सेट। अब एमटी यू में से एमटी सेट को निकालो, कुछ चीज माइनस होगी या नहीं होगी तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी डैश यू सेट जो है वो 1 से लेके 11 तक आ गया और माइनस एमटी सेट तो यही लिख देंगे डायरेक्ट पूरा ही बच जाएगा 1 से लेके 11 तक पूरा आ जाएगा। ओके हो गया यहाँ तक। उसके बाद दूसरी साइड पे हमें कह रहा है ए ए डैश यूनियन बी डैश राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर बताइए मुझे, यू में से ए को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 4, 6, 8 को माइनस कर दे 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11 ठीक है ओके। उसके बाद बी डैश का आंसर मुझे बताइए, थ्री फाइव सेवन इलेवन को माइनस कीजिए 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पूरा ही आ गया ना, मतलब इन दोनों क्या ले लेंगे हम? यूनियन है तो ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल्स टू पूरा ही आ जाएगा। ओके ये हो गया नंबर टू, ए डैश इक्वल्स टू आर एच एस। उसके बाद आपका जो होम टास्क है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला सवाल आपको ये घर पे कर लेना है, सही है, ये वाला पार्ट आपको बोले किसी सेम क्वेश्चन का जो है अपना सॉल्व कर लेना। क्लास में इंशाल्लाह